नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये क्लियर है सबको? लिख लिया सबने? तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर मेरे को चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट इट्स एन इवन नंबर और अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 4, क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन एंड ग्रेटर देन। एक बार अगर हम लोग थोड़ा और इसको अगर डिटेल में करना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए विच इज इवन नंबर, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 2, 4 एंड 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन ये दोनों हुआ एंड माइनस प्रोबेबिलिटी दोनों का विच इज 6। मेक सेंस, राइट? ऐसे लिख लो आप लोग, इजी रहता है जब पढ़ते हो बाद में। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नो। अब हम लोग अगर रूल बनाए, लेट्स से सपोज हम लोग को इतने फॉर्मूलाज याद नहीं करने, हमें खाली एडिशन रूल याद करना है कि ए प्लस बी, तो हम लोग क्या, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ए एंड बी। तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों के लिए हो जाएगा? बिकॉज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये पार्ट 0 हो जाएगा, राइट? और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमने अभी कर ही लिया, तो इसको लिख लो। ये वाला जो फॉर्मूला है दिस अप्लाइज टू बोथ एक्सक्लूसिव एंड नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट करते हैं देख लो ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट से पहले हमने अभी तक एडिशन रूल पढ़ा है, अब नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल में दो इवेंट्स आते हैं, एक इंडिपेंडेंट होते हैं, एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का ऑपोजिट इज डिपेंडेंट। अब लेट्स सपोज इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हो सकते हैं, यहाँ छोड़ दो, मैं बोल रही हूँ कि आई एम थ्रोइंग अ डाई एंड आई एम थ्रोइंग अ कॉइन, so getting a heads here when I throw a coin and getting a 5 when I throw a dice is not related to each other. फर्क नहीं पड़ रहा है ना, फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, किसी की भी कोई गर्लफ्रेंड है इधर, ठीक है, नहीं बोलोगे। तो अगर गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड, अब वो सैड है तो आप भी सैड हो जाओगे, नहीं होगे क्या? तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। बट अगर कोई एक रैंडम इंसान सैड है तो आपको उससे क्या लेना देना है ना, वो हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स। गॉट इट? ठीक है, मेक सेंस? हाँ, वेरी गुड। देखो वो सबसे ज़्यादा खुश है इस एग्जाम्पल से, तो कोई बात नहीं। मेरे भाई की तो बचपन से ही गर्लफ्रेंड है, आप लोग तो फिर भी ठीक हो। चलो, तो अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या, एक कॉइन एंड एक डाई का बोला, तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी मुझे बताओ कि मुझे निकालना है, लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज लेट्स सपोज ग्रेटर देन 4, ठीक है? सुन लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज ग्रेटर दैन 4 वेन यू थ्रो अ डाइस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स वेन यू थ्रो अ कॉइन टुगेदर। एक हाथ से कॉइन फेंक रहे हो, एक हाथ से डाइस फेंक रहे हो, तो ये कैसे निकालेंगे बताओ? मैंने बीच में क्या यूज किया है, मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है ना, प्लस नहीं है, इंटरसेक्शन है। इसको देखो सॉल्व करने का तरीका सुन लो। तो जब आप साथ में फेंक रहे हो तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, तो हेड्स आएगा या तो, और जब कॉइन फेंकोगे तो 1 से 6 कुछ भी आ सकता है, two heads, 1, 2. मतलब ये मैं क्या बना रही हूँ, सैंपल जो भी एकदम है ना, यूज द वर्ड्स, एक्चुअल वर्ड्स। ये मैंने क्या बनाया, कितने पॉसिबल आउटकम्स दिख रहे हैं, 12 पॉसिबल आउटकम्स व्हेन आई थ्रो अ डाइस एंड व्हेन आई थ्रो अ कॉइन टुगेदर, राइट। एंड दोनों इंडिपेंडेंट है, फर्क नहीं पड़ा। मुझे क्या चाहिए इसमें, कौन से इवेंट्स चाहिए, कौन से आउटकम्स चाहिए, ये वाले दोनों आउटकम्स चाहिए मुझे, ये वाले दोनों आउटकम्स चाहिए मुझे। क्या आ रहा है आंसर, 2/12 आ रहा है। देख लो एक बार, 12 आउटकम्स है एंड 2/12 आ रहे हैं। अगर मैं इंडिविजुअली बोलूँ, विच इज 1/6, अगर मैं इंडिविजुअली आप लोगों को निकालने बोलूँ कि आप लोग निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 4, 5 एंड 6, दो नंबर है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स, हेड्स या टेल्स हो सकता है, 1/2। अब इसको इससे कैसे रिलेट करें, वील जो सिंपली मल्टीप्लाई, वील जो सिंपली मल्टीप्लाई 2/6 into which is the same answer, yes or no? This is a basic multiplication rule for independent events, जहाँ हम बोलते हैं where A and B are what, independent, दोनों का intersection will be A into probability of B. Got it? Got it? बोलो, नहीं समझ आया? नहीं, एक बार देख लो फिर मुझसे पूछना। सपोज मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी दैट आई एम राइट हैंडेड या एनी पर्सन हु इज अ राइट हैंडेड पर्सन इज 0.6. Probability that anyone is right-handed. Probability that someone wears a spectacles. Spectacles और right-left-handed का कोई relation नहीं है. Is let's suppose 0.4. अब मैं आपसे पूछूँ, बताओ probability that someone is right-handed and wear a specs. तो आप क्या बोलोगे, 0.4 into 0.6, मतलब दोनों होना पड़ेगा। Probability की I am right-handed and probability that I wear a specs, दोनों होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई, दोनों होना पड़ेगा and, got it? ये लिख लो, ये वाला फॉर्मूला बेसिकली फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कॉपी कर लो इसको फटाफट, मेरे नोट्स में नहीं है। ठीक है, अब लिख लिया सबने। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स मतलब एक दूसरे पे आप डिपेंडेंट हो, दो इवेंट्स जो हो रहे हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे स्कूल में अगर एक फ्रेंड पास हो रहा है तो दूसरा भी होगा पास, वो उसके बगल में बैठा है क्योंकि, ठीक है। तो ये वैसे ही हमारे डिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। तो फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं कि बाहर बारिश हो रही है एंड आप अम्ब्रेला लेके निकल रहे हो, तो बारिश होगी तो आप अम्ब्रेला लेके निकलोगे, राइट? हो सकता है बारिश नहीं भी हो तो भी आप अम्ब्रेला लेके निकल रहे हो, टू बी ऑन अ सेफर साइड, बट देयर इज सम काइंड ऑफ डिपेंडेंसी विच इज देयर, यस और नो? देयर इज सम काइंड ऑफ डिपेंडेंसी। तो लेट मी जस्ट से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ यू टेकिंग एन अम्ब्रेला, ऑफ यू टेकिंग एन अम्ब्रेला व्हेन इट्स रेनिंग, थोड़ा बड़ा हो गया ये, इज लेट्स सपोज 0.8 दे देते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट यू टेक एन अम्ब्रेला इफ इट्स रेनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग एन अम्ब्रेला व्हेन इट्स नॉट रेनिंग इज 0.1, ठीक है, क्लियर है? तो इसमें मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी दैट यू टेक एन अम्ब्रेला, बाहर बारिश हो रहा है आप अम्ब्रेला लेके जाओगे तो 80% चांस है कि ऐसा होगा, आप घर से निकल रहे हो बाहर बारिश हो रहा है, 80% चांस आप लेके निकलोगे अम्ब्रेला। एंड बाहर बारिश नहीं हो रहा बट स्टिल आप अम्ब्रेला लेके जा रहे हो, इज अ 10% चांस, हो सकता है टू बी ऑन अ सेफ साइड। कुछ अजीब लग रहा है इधर क्या? वन क्यों टोटल वन आएगा इसका? बट इन दोनों केसेस में अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं। गलत है क्या ये? क्यों सही है? करेक्ट। और केसेस पॉसिबल हैं तो जरूरी नहीं दिस शुड एड अप टू वन। और केसेस क्या है? बाहर बारिश हो रहा है एंड वो अम्ब्रेला नहीं लेके जाए, बारिश नहीं हो रहा है नहीं अम्ब्रेला लेके जाए, तो केसेस और पॉसिबल हैं, इसीलिए इसका एडिशन जरूरी नहीं कि वन आए। गॉट इट? ठीक है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया। सो यू आर टेकिंग, बाहर बारिश हो रहा है एंड आप अम्ब्रेला लेके जा रहे हो, इसका क्या मतलब है? हम एक वर्ड बोलते हैं इधर गिवन, हम बोलते हैं गिवन, मतलब गिवन बाहर बारिश हो रहा है आप अम्ब्रेला लेके जाओगे 80% चांस, गिवन बाहर बारिश नहीं हो रहा है आप अम्ब्रेला लेके जाओगे 10% या 0.1। 0.1 को हम लोग 10% भी लिख सकते हैं ना, विच इज 10% इज 10/100, विच इज 1/10, विच इज 0.1, राइट? दैट इज व्हाई आई एम सेइंग 10%। तो ये है। अब मैं अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछूं, अब मैं इधर एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी, एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी दैट, इसके पहले ना एक और वो कर लेते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने, ये लिख लो क्योंकि ये उधर लिखा हुआ नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल क्यों बोलते हैं? देयर इज अ कंडीशन, आप बाहर अम्ब्रेला लेके जाओगे इज कंडीशनड ऑन वेदर बाहर बारिश हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ कहीं भी मैंने ये नहीं लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग एन अम्ब्रेला, नहीं, वो है ही नहीं, अकेले है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग एन अम्ब्रेला इफ इट्स रेनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग एन अम्ब्रेला इफ इट्स नॉट रेनिंग, एक इफ है या फिर एक गिवन है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इट इज कंडीशनड ऑन समथिंग। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग एन अम्ब्रेला गिवन, गिवन के लिए हम लोग एक डैश बनाते हैं लंबा, गिवन, इसको गिवन बोलते हैं, गिवन इट्स रेनिंग इज 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग एन अम्ब्रेला गिवन इट्स नॉट रेनिंग 1 होगा। ठीक है, इसको लिख लो। क्लियर? एक कंडीशन दिख रहा है सबको? अब यहाँ पे मैं आप लोग से अगर पूछना चाहती हूँ कि बताओ, एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेनिंग एंड आई टेक द अम्ब्रेला, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, कैसे ए कैसे है, समझो ये गलत है आप लोग जो बोल रहे हो। A should be an event. Let's define A as an event of raining or not raining. ठीक है, this is one event. Let's suppose B is an event of taking an umbrella and not taking an umbrella. ठीक है, B is another event. ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, this is probability of taking an umbrella B given when it is raining. ये मैंने लिखा probability of taking an umbrella given it's not raining. Not raining को A बार बना A complement, याद है complementary events not A, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ मैं बोल रही हूँ raining and I take an umbrella, which is what? Intersection B. हाँ ये बोल रही हूँ, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे? Is this same as this? It cannot be same, right? Two different notations. इसको लिखो एक बार. These are two different notations. It cannot. Can this, is this equal to 0.8? No, it's not. It's not, right? बोलो same नहीं है। यहाँ आप बोल रहे हो अम्ब्रेला आप लेके जा रहे हो, given बारिश हो रहा है, बाहर बारिश हो रहा है एंड आप अम्ब्रेला लेके निकल रहे हो, right? तो ये मैंने कभी नहीं बोला कि यहाँ पे अम्ब्रेला लेके जाएंगे 80%. Every time you are leaving, you are taking out an umbrella. It's 80%. No, there is a condition. एंड यहाँ मैं बोल रही हूँ दोनों इवेंट होंगे साथ में, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। तो क्या इसके लिए हमें ये प्रोबेबिलिटी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी बारिश हो रहा है कि नहीं? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन तो है ही नहीं कहीं, इधर तो खाली अम्ब्रेला का बात करें आपने, ए बी गिवन ए एंड बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट। सो लेट मी टेल यू अनदर, चलो मैं आप लोग को अब दे देती हूँ कि क्वेश्चन का ही पार्ट है दैट probability of having a rain on any day is 0.2. Probability of having a rain on any day is 0.2. तो क्या आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि probability that it's raining is 0.2 and if it's raining I will take an umbrella का probability हो गया, क्या ये होगा? मतलब प्रोबेबिलिटी की बारिश हो रहा है एंड बारिश होगा तो मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगी का प्रोबेबिलिटी 0.8 था। आ गया ये, यस और नो? देख लो कितना आएगा, ठीक है? गॉट इट? एनी डाउट इन दिस? क्लियर हो रहा है ना सबको? एक एग्जाम्पल और लेंगे तब उससे और क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेंगे फिर इसको रिविजिट करेंगे। ये लिख लिया सबने? मान लो कि देर आर 5 चॉकलेट्स, ठीक है? लेमन चॉकलेट्स है 2 एंड स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स है 3 एक बॉक्स में है, ठीक है? मैंने एक चॉकलेट उठाया, खा लिया, फिर दूसरा चॉकलेट उठाया, खा लिया, ठीक है? अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी कि मैंने एक लेमन खाया है, एक पीस लेमन, एंड मैंने एक स्ट्रॉबेरी खाया। इज इट इंडिपेंडेंट? एक बॉक्स में 2 लेमन चॉकलेट्स है, 2 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स है, ठीक है ना। तो मैंने पहले एक उठाया खाया, फिर मैंने दूसरा उठाया खाया, तो इज इट इंडिपेंडेंट सम एनी हाउ इट्स इंडिपेंडेंट? कैसे इंडिपेंडेंट है? मैंने जो पहला एक चॉकलेट उठा लिया तो उसके बाद उसमें क्या बच रहा है इज डिपेंडेंट ऑन मैंने पहले क्या उठाया। अगर मैंने पहले लेमन उठाया तो बाद में कितना बच रहा है, एक लेमन और 3 स्ट्रॉबेरी। अगर मैंने पहले स्ट्रॉबेरी उठाया ये बच रहा है, तो चेंज हो रहे हैं ना पॉसिबिलिटीज। सो इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, इट्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। पहला उठाना दूसरा उठाना इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो प्रोबेबिलिटी कि आई एट लेमन एंड स्ट्रॉबेरी, कैसे भी हो सकता है वो चीज। या फिर मान लो कि पहला लेमन है और दूसरा स्ट्रॉबेरी है। मैं इसे बोल रही हूँ कि इसको थोड़ा रिवैम करते हैं क्योंकि आप लोग के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इसको करेंगे, ऐसे बोल देते हैं कि फर्स्ट वाला मैंने लेमन खाया एंड सेकंड वाला मैंने स्ट्रॉबेरी खाया, ऐसे बोल देते हैं। तो सेकंड जो मैं स्ट्रॉबेरी खा रही हूँ इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट लेमन खाया कि नहीं खाया, है ना। तो क्या मैं इधर ऐसे बोल रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुना, फर्स्ट मैंने लेमन खाया, बिकॉज पहला जो हम लेमन खाएंगे उससे तो कोई चीज़ का डिपेंडेंसी नहीं है। पहला चॉकलेट उठाया, इट शुड बी अ लेमन, उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। एंड है तो मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी कि मेरा सेकंड वाला स्ट्रॉबेरी है गिवन कि मेरा फर्स्ट वाला, ये गिवन वाला क्यों आया पता है? क्योंकि स्ट्रॉबेरी है गिवन, सेकंड वाला इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट वाला क्या खाया। सो डिपेंडेंसी आया कि नहीं आया, डिपेंडेंसी आया कि नहीं? दिस इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सेकंड स्ट्रॉबेरी इज डिपेंडेंट ऑन वेदर फर्स्ट वन वाज अ लेमन और नॉट, एंड इफ फर्स्ट वन इज गिवन, ये होता है गिवन, हमेशा याद रखना गिवन, तो दिस विल चेंज, करेक्ट है। तो पहला वाला लेमन खाया उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2/5, क्योंकि आप एक लेमन निकालोगे, चांसेस है 2, टोटल 5 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वाला। अब आपके पास क्या बच गया बैग में, 1 and 3, 1 स्ट्रॉबेरी, 1 लेमन एंड 3। तो आपका प्रोबेबिलिटी कि आप सेकेंड वाला स्ट्रॉबेरी निकालोगे, 3 आउटकम्स पॉसिबल हैं, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 4। क्या आंसर आ रहा है? 3/10। अब बताओ क्लियर हुआ? सो डिपेंडेंट इवेंट्स में जब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ, नाउ इट डिपेंड्स आप कौन सा बोल रहे हो, ए क्या होगा, ठीक है। एंड एक्चुअल में इसका डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, या आप ऐसे लिख सकते हो, बट एक और ऑल्टरनेटिव है जिसको आप लिख सकते हो इज ऐसे, ए and then B। वो एक ही बात है बट उसको हम लोग और आगे अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि एक बार देख लो, क्योंकि आप लोग को आगे तो काम आएगा ही। जब हम ऐसे बोलते हैं which is also somewhat same as writing this, बट ये हम लोग अभी के लिए नहीं करेंगे। अभी आप लोग ये करो, ठीक है, गॉट इट, यस और नो? अब यही चीज़ ना हमने पहले वाले में किया था, ये कॉपी कर लो, फिर मैं पिछले वाला आप लोगों को दिखाऊंगी। अब जैसे हमने एडिशन रूल किया था ए इंटरसेक्शन भी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हमने हेड टेल वाला किया था इज प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, सिंपल। ये हमने किया है फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, वेदर टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक बार के लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी गिवन ए। नाउ इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स देयर शुड नॉट बी एनी डिपेंडेंसी ऑन बी एंड ए। इन केस ऑफ अगर ए एंड बी आपस में इंडिपेंडेंट है तो इन दोनों में कोई डिपेंडेंसी होना नहीं चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी गिवन ए और गिवन नॉट ए से फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी ना इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो एट द एंड क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी आ गया for independent events which is a special case for this। clear है, is it clear? तो आप लोग ये वाला दोनों फॉर्मूला लिख लो, ये लिखो पहले तो आप लोग ऐसे probability A intersection B के लिए लिखो A into B given A, फिर लिखना next line में probability B given A is equal to क्या होगा, this नहीं ये होगा इफ इट इज, लिख लेना फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कंडीशंस पे फर्क नहीं पड़ता ना, ए हो नहीं हो। प्रोबेबिलिटी की मेरा 4 आ रहा है गिवन हेड्स, इस प्रोबेबिलिटी की मेरा 4 आ रहा है, हेड्स आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? ठीक है, सेम हमने किया है यहाँ पे, सेम हमने किया है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी दैट इट्स रेनिंग एंड यू टेक एन अम्ब्रेला इज प्रोबेबिलिटी दैट इट्स रेनिंग पी ए 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी दैट यू टेक एन अम्ब्रेला गिवन इट्स रेनिंग। ये फॉर्मूला लगाया हमने, हाँ ठीक है। तो दो फॉर्मूलाज जो हमने सीखे बेसिक वाले, प्रोबेबिलिटी ए इंटर यूनियन बी प्लस वाला जो था इस प्रोबेबिलिटी ए नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स, वन इज, या ऐसे ले लो, म्यूचुअली जो एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है, नॉन ठीक है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये वाला क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4 इज 1/6 प्लस 1/6 2/6, साथ में तो हो ही नहीं सकता। ये एग्जाम्पल लिया था हमने। सेकेंड, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इसका कुछ रिलेशन रहेगा, जहाँ हम लोग ने वो इंटरसेक्शन करके दो सर्कल्स बनाया था, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4, ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड, ग्रेटर देन 4 एंड तो उसमें एक 6 कॉमन आ रहा था तो हमने उसको माइनस किया। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ही एक्चुअली दो पार्ट्स होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हो गए, गेटिंग अ हेड्स और या फिर गेटिंग अ हेड्स एंड गेटिंग अ नंबर विच इज नहीं, गेटिंग अ हेड्स और गेटिंग अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 4। तो हेड्स आना और गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 आना दो अलग है कि आप एक में कॉइन थ्रो करो एक में आप। तो इस केस में हमने कौन सा फॉर्मूला सीखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एंड, ये सीखा था। और डिपेंडेंट जो भी हमने किया कि बाहर बारिश हो रहा है एंड आप अम्ब्रेला लेके जा रहे हो, बाहर बारिश नहीं हो रहा है एंड आप अम्ब्रेला लेके जा रहे हो, ये गिवन था, और बाहर बारिश हो रहा है, तो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बाहर बारिश हो एंड आप अम्ब्रेला लेके जाओ इज डिफरेंट। फर्स्ट आपका लेमन है, सेकंड आपका स्ट्रॉबेरी है। वो जो सेकंड स्ट्रॉबेरी है इज डिपेंडेंट ऑन पहला वाला लेमन था कि नहीं, बिकॉज द आउटकम्स विल चेंज, प्रोबेबिलिटीज विल चेंज। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेयर व्हाट डू यू से प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए इज प्रोबेबिलिटी equals to B for independent events and this is zero for, तो दो खाली दो ही फॉर्मूलाज थे बट उसके लिए अलग अलग केसेस एंड अलग अलग एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं खाली, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। द प्रोबेबिलिटी नहीं, ऐसे लिखो द, इजी में लिखवाती हूँ, इतना बड़ा बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। तो बेसिकली एक रॉकेट फायर कर रहे हैं हम, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी दैट द component, any one component will fail when that rocket is launched या fired is 0.2 या 0.02 कर दो। ठीक है, ये आप लोग डिफिकल्ट है, नहीं कर पाओगे, छोड़ दो इसको, नेक्स्ट क्लास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं देती हूँ इजी वाला, रुक जाओ, ये आप लोग कर लोगे। सो बेसिकली देयर आर 2 male and 4 female candidates who are waiting in a room for an interview and they are called randomly one after the other। ठीक है, पहला प्रोबेबिलिटी निकालो, लिखो प्रोबेबिलिटी दैट अ मेल and then a female candidate is called, probability that a male and then a female candidate is called। second वाला अभी लिख लो, probability that, ये दोनों अलग questions है, ठीक है ना, probability that next 3 candidates are all female, probability that the next 3 candidates are all female। पहला वाला मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी पहला मेल होगा एंड दूसरा मैंने क्या बोला, नेक्स्ट 3 आर फीमेल, तो फीमेल एंड देन अ फीमेल एंड देन अगेन अ पहला वाला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी की पहले वाले को बुलाए एंड मेल है, अरे पूरा पूरा मत बताओ, धीरे धीरे। तुम लोग क्या बोल रहे हो? फाइनल आंसर सही है। तो पहला वाला मेल है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 2/6 मल्टीप्लाइड बाय दूसरी वाली फीमेल है, दूसरी वाली फीमेल है गिवन पहला वाला मेल था, और ये है आपका प्रोबेबिलिटी की मेल। तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स हुए, है ना। सो 2/6 इंटू अब क्या हो जाएगा, 1 मेल बचा और 4 फीमेल बची, तो 4/15 फीमेल एंड देन अ फीमेल एंड देन अ फीमेल, ऑल आर इंडिपेंडेंट। दिस इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट, डिपेंडेंट इवेंट्स। तो कैसे निकालेंगे? पहला फीमेल होने का प्रोबेबिलिटी इज, दूसरा फीमेल होने का, वेरी गुड, टोटल इज 1/5, नहीं 1/5 आ रहा है, हाँ 1/5 आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास 5-6 सम्स और करेंगे, इंटरेस्टिंग सम्स, एंड देन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पर क्लियर मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने बोला हाँ मतलब नेक्स्ट 3, मतलब ये गिवन है अभी, इसके बाद अब जो बुला रहे हैं। अगर वैसा होता तो क्लियरली बताते स्टार्ट में क्या था, एंड में क्या था। ठीक है, क्लियर। इसको रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास और डिफिकल्ट सम्स करेंगे।